दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले एक बात मैं आपको बोलूंगा और क्लियर कट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूंगा। दोस्तों ये बोल रहा हूं कि आप अपना कैपिटल मार्केट में वेस्ट मत करो, कहां पे एफएनओ ट्रेड करके। देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते। आप पहले स्विंग ट्रेड से अपने कैपिटल को 10x 20x 100x करो, उसके बाद आप फिर महीने में 10 से 5 दिन ओनली आप एफएनओ ट्रेड को करो। अब हम बात करते हैं आज के स्विंग ट्रेड के बारे में। दोस्तों जिस इस स्विंग ट्रेड को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वहां पे देखो सबसे पहले तो टेलीग्राम में मैंने कितने बजे बता दिया था आपको, ये देखो ये है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसको 9:02 में ही बता दिया था कि डिप मिले तो बाय करना। ये देखो क्लियर कट मैसेज मैं डाल देता हूं, उसके पहले एक और स्टॉक दिया था 8:57 में, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बाय करने के लिए बोला था, स्टॉप लॉस 60 का बोला था, टारगेट 65 से 68 का दिया था और 70 का, ठीक है, और करेंट मार्केट प्राइस में मैं बोला था कि आप लोग बाय कर सकते हो। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यूट्यूब चैनल में देखोगे, अगर आप मेरा चैनल सर्च करोगे, ठीक है, एमपी तिवारी स्टॉक एंड एफएनओ ट्रेडिंग डालोगे तो आपको ये दिखेगा, टॉप में ही मेरा चैनल दिखेगा, ये देखो, ठीक है। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप रेगुलर मुझे फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो मैं आपको उतना पैसा देने के लिए रेडी हूं स्विंग ट्रेड से, ठीक है। बस आपको मेरी बात, मेरे रूल्स, मेरे कंडीशंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, चूंकि मैं आपको खुला इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो एक पूरा प्रॉफिटेबल जर्नी रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, अगर वीडियो सेक्शन में आप जाओगे, सबसे पहले तो एमपी तिवारी स्टॉक एंड एफएनओ ट्रेडिंग ये सर्च कर लेना यूट्यूब में, या फिर आप वीडियो के थ्रू भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है, लाइक कर लेना, चूंकि आप लोग ये नहीं करते हो बाद में आप लोगों से अपडेट सारी मिस हो जाती है, ठीक है। तो ये चैनल का नाम है, यहाँ पे वीडियोस देखोगे इतने सारे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। ये वे देखो हर एक स्टॉक को बड़े डिटेल से, ये सारे स्विंग ट्रेड्स रहे हैं मेरे, ठीक है। और जो लोग रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कितना अच्छा प्रॉफिटेबल जर्नी उनका कंटिन्यू चल रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स के जो एनालिसिस है वो मैंने बनाया हुआ है और ये सारी ऑलरेडी लोगों ने स्टॉक्स लिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जिस स्टॉक के बारे में, दोस्तों दरअसल इस कंपनी के बारे में आप जान लो, दोस्तों ये लगभग 636 पेटेंट अब तक बना चुकी है, 636 पेटेंट। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कंपनियां 1 से 2 पेटेंट बनाती हैं, लेकिन ये कंपनी अब तक 636 टोटल पेटेंट बना चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक भारतीय ऑप्टिकल और डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय पुणे में है, ठीक है, और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यानी कि NSE और BSE दोनों के अंदर लिस्ट है, ठीक है। अब तक इसके 636 पेटेंट बन चुके हैं, ठीक है, और यह 150 से अधिक देशों में सक्रिय है। आप समझ सकते हो जिस स्टॉक के बारे में या जिस कंपनी के बारे में आज मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूं, ये कंपनी ये काम करती है। सबसे पहले तो इस कंपनी के बारे में जान लो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे मैंने आपको मैसेज डाला था डिप मिले तो बाय करना, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोला, ठीक है, इसके पीछे रीजन है। यहाँ पे देखोगे स्टॉक 136 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक खरीदने का एक और बेनिफिट मिलेगा, 0.74% के आसपास का डिविडेंड, जो कि आपको काफी अच्छा डिविडेंड मिल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे इस प्राइस के आसपास मुझे और हैवी क्वांटिटी ऐड करना था, लेकिन मैं वेट कर रहा था, आया नहीं। 200 क्वांटिटी फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया है, बाय किया है, ठीक है। और मैंने क्लियर कट बोला था 142 रुपए के आसपास क्लोजिंग हुई थी, मैंने बोला था कि डिप मिले तो बाय करना, ठीक है। अब चार्ट के ऊपर हम समझते हैं मैंने ऐसा क्यों बोला। दोस्तों ये जो एरिया है ना इसका, ये वाला जो एरिया है करीब करीब 130 से लेकर 132 रुपए का, ठीक है। जो लोग रेगुलर, एक वीडियो मैंने बताया था 200 EMA का, जो लोग उसको रेगुलर फॉलो करते हैं उनको, उनसे आप पूछना कितना अच्छा प्रॉफिटेबल जर्नी वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 EMA के ऊपर ये क्लोजिंग कैंडल आई, यहाँ पे गैप डाउन खुला और फर्स्ट यहाँ पे बाइंग जनरेट हो गया, ठीक है। दोस्तों इसीलिए मैंने बोला था कि डिप मिले तो बाय करना। अभी क्या करना है, यहाँ पे अभी भी करेंट मार्केट प्राइस में भी बाय किया जा सकता है, ये किसी भी प्राइस में मिले आप इसको बाय कर सकते हैं। पहला जो आपका टारगेट होगा दोस्तों, पहला टारगेट आप करीब करीब 145 का रखेंगे, और ये एक बार 145 के ऊपर क्रॉस होता है तो ये आपको काफ़ी बड़ा टारगेट देने के लिए स्टॉक रेडी है, ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ एनालिसिस, पावर ऑफ
जो एक रिसर्च होता है इसको दोस्तों बोलते हैं, जब आपको ये पता हो कहाँ पे कौन सी स्टॉक को खरीदना है कहाँ पे बेचना है, तो जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाते हो, पैसा मार्केट से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखो अपना, आप जो कैपिटल ले आते हो ठीक है, ये हार्ड एंड मनी है, इसको आप FNO के अंदर बार बार स्टॉप लॉस देके कैंडल की स्पाइक्स प्रीमियम की स्पाइक्स में पैसा बर्बाद मत करो। ठीक है, आप आ जाओ स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करो, लेकिन कंटिन्यू पैसा निकालते रहो, मेन मोटिव ये है मेरा कहने का, स्विंग ट्रेड पकड़ो और यहाँ से रेगुलर टेंशन फ्री पैसा बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया होता ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बनता, मैक्सिमम 2 से 3 रुपए, लेकिन मेरे टारगेट्स कितने होते, अगर इस लेवल से भी मैं मानू यहां तक, तो करीब करीब 12 रुपए, 3 रुपए की स्टॉप लॉस दिया और 12 रुपए मैंने कमाया। ठीक है, मेरी बात समझना। अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर उठाओ, ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेशन लेंगे, मिनिमम मान के चलो आप क्या किए, 3 लाख कैपिटल यूज किए डिवाइड बाई 130, ठीक है, तो कितना क्वांटिटी आपको मिलता, 2307 क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिलता। ठीक है, 2300 मल्टीप्लाई आपने कितना 12 रुपए का टारगेट रखा, 27,600 रुपए ये आपको एक ही ट्रेड में मिल गए होते। ठीक है, एटलीस्ट उसका 50% तो आपको यहीं पे मिल गया होता। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ लो टू अगर हम हाई बात करें तो 137 का हाई, यानी 5 रुपए मिल चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 2300 क्वांटिटी थी मल्टीप्लाई 5 रुपए, ठीक है, तो भी आप सोचो बिना टेंशन के 11,500 आप बना लिए, आपका टारगेट तो खैर ये वाला है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग अपने हार्ड एंड मनी को सेव करो, मार्केट से पैसा निकालो और इसी कैपिटल से धीरे 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 अपने आप को ग्रो करो। ये है मेन आइडिया दोस्तों, यही है स्ट्रेटजी जिससे लोग रेगुलर प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल जर्नी स्टॉक मार्केट मेंटेन करना है तो आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग यहाँ पे खरीद पाए हैं उनका स्टॉप लॉस करीब करीब 127 से 128 का बन जाएगा, लेकिन जो लोग यहाँ बीच में खरीदेंगे उनका स्टॉप लॉस 130 के आसपास बनेगा। ठीक है, और पहला टारगेट 145 का होगा और 145 के ऊपर निकलते ही इसी स्टॉक में एक रॉकेट जैसा मोमेंटम आपको करीब करीब 200 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है ये स्टॉक। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये स्विंग ट्रेड समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसकी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, और अगर आपको किसी तरीके को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 200 EMA का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, ये स्टॉक जनरली नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रीवियस अगर डेटा को देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे बैक टू बैक कितनी हैवी ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे और आ जाओ इधर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखोगे कितनी हैवी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हुई है। ठीक है, इसलिए जब भी इस एरिया के आसपास ये स्टॉक आएगा यहाँ पे ह्यूज बाइंग कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, MP तिवारी स्टॉक एंड FNO ट्रेडिंग के नाम से ये चैनल बना हुआ है, आप अगर यहाँ भी सर्च करेंगे यूट्यूब के सर्च बार में जाके तो ये मेरा चैनल आपको टॉप में रैंक करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और आई होप कि आपको इस स्टॉक का एनालिसिस समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों जो मिलते हैं तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।